को उसका पहला C-295 विमान मिल गया है। ये विमान गश्त लगाने से लेकर वॉर जोन में सैनिकों को पहुंचाने तक में माहिर है। एयरबस डिफेंस एंड स्पेस कंपनी ने बुधवार को पहला C-295 परिवहन विमान भारतीय वायुसेना को सौंप दिया। इंडियन एयरफोर्स को मॉडर्न बनाने के लिए सरकार ने एयरबस डिफेंस एंड स्पेस कंपनी के साथ 2 साल पहले 21,935 करोड़ रुपए में 56 C-295 परिवहन विमानों को खरीदने की डील की थी, जिसे अब स्पेन के सेविले शहर में आयोजित एक कार्यक्रम में इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख वीआर चौधरी को सौंप दिया गया। ये विमान बेहद उपयोगी है। इसका इस्तेमाल 71 सैनिकों या 50 पैराट्रूप्स के स्ट्रेटेजिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जाता है। इसके अलावा इसका यूज उन प्लेसेस पर मिलिट्री इक्विपमेंट और लॉजिस्टिक पहुंचाने में काम आता है जहां पर भारी विमान नहीं पहुंच सकते। C-295 विमान पैराशूट के सहारे सैनिकों को उतारने और सामान गिराने के लिए काफी यूजफुल है। इसका यूज किसी हादसे में लोगों को निकालने के लिए भी किया जा सकता है। ये प्लेन स्पेशल ऑपरेशन के साथ साथ डिजास्टर सिचुएशन में भी अच्छा काम करेगा। वायुसेना के मुताबिक ये विमान स्पेन के सेविले प्लांट में बनाया गया है। C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इसी महीने 25 सितंबर को भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा।